आज भी देखो कि ऐसी कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे, है ना, सोशल वर्कर्स, है ना, टीचर्स, प्रोफेसर्स, है ना। हालांकि ये सैलरी बेसिस पे करते हैं, बट उसकी सोसाइटी में नीड है। अब क्योंकि सैलरी ले रहे हैं इसलिए आप सबको एजुकेशन फ्री नहीं हो पा रहा है, समस्या वहीं आ जा रही है सारी, है कि नहीं। लेकिन पहले समय पे जो ब्राह्मण्स थे वो चार्ज नहीं करते थे पढ़ाने का। सोसाइटी में ब्राह्मण्स तो रहना जरूरी है। आज भी देखो ब्राह्मण्स क्लास है, सो कॉल्ड ब्राह्मण क्लास, जिसको हम प्रोफेसर्स बोलते हैं कॉलेज के, ये हैं, मतलब टीचर्स, ब्राह्मण्स क्योंकि एजुकेटर्स, पढ़ाने वाले लोग वो हैं आज भी। बट क्योंकि आज वो चार्ज करते हैं तो सबके लिए एजुकेशन फ्री नहीं है, है ना। वैदिक कल्चर में ब्राह्मण्स नेवर चार्ज, कोई पैसा नहीं लेते थे, इसलिए एजुकेशन सबके लिए फ्री थी, है ना। आप देखो कि कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे एजुकेशन आज भी फ्री है ना। यूएसए में आज एजुकेशन फ्री है, पता है आपको, यूएसए में एजुकेशन फ्री है, वहाँ पे कोई भी जाके स्कूल में पढ़ सकता है फ्री में। और वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज स्कूल जो हैं सस्ते हैं और गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा महंगे हैं वहाँ पे। यहाँ इंडिया में उल्टा है, इंडिया में प्राइवेट महंगे हैं, गवर्नमेंट सस्ता है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे आलसी थोड़ा हो जाते हैं, है ना। सरकारी टीचर उनका जो स्टूडेंट जो टीचर बनना चाहते थे वो चाहते हैं गवर्नमेंट टीचर बने, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें काम नहीं करना पड़ेगा बाद में, है कि नहीं। बाकी जाके 6 घंटे क्लास में आकर बैठ जाओ, है ना, डंडा लेके बैठ जाओ, बच्चे अपना करते रहो जो करना है। क्योंकि बताइए सरकारी टीचर बन जाएंगे तो पैसा आएगा और कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, वो मेंटलिटी हो गई है सरकार की ना। इस वजह से एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे क्या है, बहुत गड़बड़ है सरकारी स्कूलों का। इसलिए माता पिता सोचते हैं बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट में पढ़ाएंगे, क्योंकि प्राइवेट में क्या पैसा है तो जिम्मेदारी पूछेंगे, भाई बच्चों का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, है कि नहीं। प्राइवेट स्कूलों का रेपुटेशन का होता है, लेकिन यूएसए में उल्टा होता है। यूएसए वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है स्कूल्स का, और वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में सिलेक्शन ज़्यादा मुश्किल होता है, है ना, क्योंकि वहाँ पे फ्री एजुकेशन है और प्राइवेट स्कूल बहुत महंगा है, लेकिन एजुकेशन अच्छा नहीं है प्राइवेट स्कूल्स का। तो ऐसे कई सारे कंट्रीज़ हैं, है ना, जहाँ पे एजुकेशन फ्री दिया जाता है। हमारे इंडिया में भी गवर्नमेंट कॉलेजेस को फ्री, लगभग फ्री सा ही एजुकेशन है, लेकिन वैदिक कल्चर में सारा का सारा एजुकेशन फ्री था। एजुकेशन शुड बी फ्री, है ना, राइट टू एजुकेट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक ना, हाँ, फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट क्या है, है कि नहीं, राइट टू एजुकेट। तो एक राइट है एक्चुअली में, कि सबको अधिकार है पढ़ने का, है कि नहीं। तो ये अधिकार पढ़ने का सबको था, वैदिक कल्चर में सबको था। ऐसे नहीं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो पहली बार आया, ऐसा नहीं है, सबको राइट था। लेकिन कौन करवाएगा, दैट एजुकेटर्स, ब्राह्मणास, दे विल डू, वो पढ़ाएंगे सबको फ्री में। सब आइए पढ़िए,